राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, लगभग 15 दिन के बाद आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से कुछ कहने आया हूँ। इस चैनल का, राष्ट्रगाथा चैनल का एक ही लक्ष्य है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज तक दुनिया के जितने बड़े भी हमले भारत पर हुए उन सबको लूंगा। कुछ नहीं तो ये 1000-1200 साल का इतिहास तो आपके सामने मैं लाऊंगा ही। ये वो कालखंड है जब भारत माँ के सपूतों को, सपुत्रियों को भारत माँ की आन बान शान के लिए सर्वस्व निशावर करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो सारे नायक और नायिकाओं को कहीं भी इतिहास में दर्शाया नहीं गया। हाँ, आज 15 दिन के बाद डेंगू जी महाराज ने मुझे घेर लिया था और आज अंदर की जिद से, आत्मबल से कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने उसी श्रृंखला इतिहास को आपके सामने रखूं। 550 वीडियोस इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आपके सामने ला चुका हूं। 5-7-8 वीडियोस के बाद एक दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं गीत के माध्यम से ऐसे सब अनगिनत, असंख्य, अज्ञात वीरों को, वीरांगनाओं को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ 7-8 वीडियो उसके बाद। आज यद्यपि खड़े होके उसकी तैयारी, लिखने की, बोलने की, वो समर्थ तो अभी मेरे में नहीं आया। हाँ, गंगू जी महाराज आते हैं तो फिर जाते भी थोड़ा आराम से हैं और जाने के बाद भी वो याद कराते रहते हैं कि भाई मैं शरीर से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, अब आराम से ही कुछ कर पाओगे। प्रभु कृपा से मैं आज फिर आपके सम्मुख आया हूँ, लेकिन एक ऐसा गीत लेके आया हूँ। अक्सर सभी गीतों के, 90% गीतों के स्वर मैंने स्वयं ही बना के आपको भेजे हैं। गीत मैंने कोई नहीं लिखा, देशभक्त लोगों के लिखे हुए गीत हैं और मुख्य रूप से देश की, राष्ट्रीय संस्कृत संघ की राष्ट्रवंदना, सरल सहगान, जशोगान, देश जगवा, इस प्रकार के कुछ पुस्तकों में पहले से अंकित गीत पर मुझे 500 गीत देने हैं तो स्वर मेरे पास नहीं थे, तो जिस गीत को आप तक पहुंचाने में मुझे 2 मिनट लगते हैं स्वर के अंदर, ऐसे ही आज का ये गीत बड़ा क्लिष्ट है। क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं, बहुत कठिन शब्द है और ये गीत कुछ ऐसा है जिसका स्वर मेरे दिमाग में पुस्तक खोलने से पहले स्वर आ गया और गीत जो निकला उसको स्वर के अनुसार ढालने में वैसे समय नहीं लगा, लेकिन
शब्द क्लिष्ट है, स्वर कठिन है और समर्थ भी आज वो नहीं है। बहुत ऊंचा उठा करके गीत बोलने की आज शायद अवस्था नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये गीत एक अलग प्रकार का, अत्यंत ही हिंदी के कठिन शब्दों से पिरोया हुआ ये गीत मेरे से कैसे ये संवर गया, संभल गया और मैं आपके सामने आने की हिम्मत जुटा पाया। चलिए आज इस गीत के माध्यम से उन सब अज्ञात वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ गीत के माध्यम से। हे महान, हे चिर महान, हे महान, हे चिर महान, भगवान परम ज्योतिवान, हे महान, हे चिर महान, भगवान परम ज्योतिवान, अर्चना में तुझे अर्पित, अर्चना में तुझे अर्पित, तन मन धन सहित प्राण, हे महान, हे चिर महान, तेरी ज्योति प्रकाश मन को, त्याग प्रेम तेरी परिभाषा, तेरी ज्योति प्रकाश मन को, त्याग प्रेम तेरी परिभाषा, तेरा रूप रुचे नयनों को, भौतिक जग भासे सपना सा, नील गगन में दिनमणि दीपित, नील गगन में दिनमणि दीपित, गरक मणिवत हे श्रुति मान, अर्चना में तुझे अर्पित, अर्चना में तुझे अर्पित, तन मन धन सहित प्राण, हे महान, हे चिर महान, हे महान, हे चिर महान, रंजित रश्म करो
तेरी दिव्या भाऊषा बन राजे, रंजित रश्म करो मैं तेरी दिव्या भाऊषा बन राजे, अम्बुधि के अंतर में तेरी चिर अशांत अभिव्यक्ति विराजे, लहर लहर कर गरज गरज कर, लहर लहर कर गरज गरज कर, तू करता हर आहवान, अर्चना में तुझे अर्पित, अर्चना में तुझे अर्पित, तन मन धन सहित प्राण, हे महान हे चिर महान, हे महान हे चिर महान, यज्ञों की तू बहन ज्वाल है, क्रांति गान तेरा ही गुंजन, यज्ञों की तू बहन ज्वाल है, क्रांति गान तेरा ही गुंजन, प्रलय तुम्हारी पग ध्वनि सर्जन, तुम्हारी श्वासों का स्पंदन, रवि राशि से द्युतिमान शहीदों, रवि राशि से द्युतिमान शहीदों, वीरों के मुख की मुस्कान, अर्चना में तुझे अर्पित, अर्चना में तुझे अर्पित, तन मन धन सहित प्राण, हे महान हे चिर महान, भगवा परम ज्योतिवान, अर्चना में तुझे अर्पित, तन मन धन सहित प्राण, हे महान हे चिर महान, हे महान हे चिर महान। आज इस गीत के माध्यम से मैंने प्रयास किया है आपके साथ 15 दिन के बाद फिर से जुड़ने का। कल से फिर मैं उसी प्रवाह में आ जाऊंगा, लेकिन शायद 18-20 मिनट की वीडियोज ना बना के 8-10 मिनट की एक वीडियो आप तक
पहुंचाने का प्रयास रोज़ करूंगा, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इस लंबे कालखंड में शौर्य और वीरता के नए इतिहास, नए अध्याय, नए पृष्ठ लिखने वाले, बनाने वाले, खून से संरचना करने वाले और विदेशी विधर्मियों को, फिरंगियों को, आक्रमणकारियों को सशस्त्र चुनौती देने वाले, फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ने वाले, काला पानी जैसी घोर नार के सजाएं भुगतते हुए वही मरखब जाने वाले, उन सब लोगों को मैं फिर से कल के बाद एक लंबी श्रृंखला आपके सामने फिर से चालू कर दूंगा। आज यह गीत यद्यपि बहुत मेरे हिसाब से भी बड़ा कठिन और मेरी बोलने की स्थिति भी शायद वो नहीं थी आज, फिर भी सरस्वती माँ ने ये पकड़ा दिया, बुलवा दिया, हो गया, आप तक पहुंच गया। और कल से हम रेगुलर फिर मिलेंगे। मेरा ये प्रयास ऐसे अज्ञात असंख्य क्रांति वीरों को, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, आप तक लाने का ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।